आप भी स्नैपचैट यूजर हैं, अगर आप चाहते हैं अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना स्नैपचैट के ऊपर से, कोई भी उसको सर्च ना कर पाए, तो कैसे आप कर सकते हैं 2024 में, लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूं। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे आप जो सबसे पहले अपना अकाउंट स्नैपचैट का जो है परमानेंट डिलीट तो नहीं कर सकते, आपको पहले स्केड्यूल करना पड़ेगा डीएक्टिवेट के लिए, और उसके कुछ टाइम बाद जो है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हम चलते हैं स्नैपचैट के ऊपर। तो मैं आ चुका हूं मेरे प्रोफाइल पर, अगर आप मुझे ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं इस अकाउंट से जो है अपने अकाउंट को डिलीट करने वाला हूं। जैसे मेरा ATSR3V अकाउंट है, इसको डिलीट करूंगा, तो इसके लिए मुझे जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे। तो जैसे मैं सेटिंग्स के ऑप्शन पे आऊंगा, मुझे नीचे की तरफ स्क्रॉल ऑन करना, जिसका जो यहां पे पुराना वर्जन है उसको नीचे की तरफ दिखाई देगा डिलीट अकाउंट का ऑप्शन, जिसका न्यू अपडेट है तो यहां पे उसको क्लियर डेटा के ऑप्शन पे जाना है, एंड इधर जो आपको दिखाई देगा। तो मेरे को फिलहाल यहां पे डिलीट नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ, तो यहां पे मैं जाऊंगा एंड मेरे को वो अकाउंट लॉगिन करना है जिसको डिलीट करना है। जैसे मैं ATSR3V कर लेता हूं, उसके बाद पासवर्ड भी एंटर कर लेता हूं। अब यहां पे लॉगिन हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप जो यहां पे डायरेक्टली हमारा डिलीशन का है। आप देख सकते हैं यहां पे आ चुका है कि यहां पे डिलीट योर अकाउंट, एंड इधर आप देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है कि आप 30 डेज के लिए अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हैं, 30 दिनों के बाद अगर आप लॉगिन नहीं करते आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो यहां पे आपको पासवर्ड एक बार एंटर कर देना है, कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट यहां पे स्केड्यूल हो जाएगा डीएक्टिवेशन के लिए, डिलीट 30 दिनों बाद हो जाएगा। अब अगर आप 30 दिन तक लॉगिन नहीं करोगे तो आपकी सारी चीजें उड़ जाएगी, लेकिन यहां पे देख सकते हो कि मैंने लॉग आउट कर लिया, यानी ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। अब दूसरे फोन से दिखाता हूं, तो दूसरे फोन में सर्च कर रहा हूं उसी अकाउंट को ATSR3V, तो आप देख सकते हैं यहां पे कुछ भी सर्च रिजल्ट नहीं आ रहा, इट मींस मेरा अकाउंट यहां पे डीएक्टिवेट हो चुका है, यानी एक तरीके से किसी को भी नहीं दिखाई देगा, 30 दिनों बाद ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा स्नैपचैट से। तो अगर मैं वापस डीएक्टिवेट करना चाहूं तो लॉगिन करूंगा, एंड यहां पे ऑप्शन आएगा वुड यू लाइक टू रीएक्टिवेट इट, जैसे करूंगा तो यहां पे 2 सेकंड रुकना है एंड आपका अकाउंट जो है वापस से लॉगिन हो जाएगा, वापस से एक्टिव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में। इतना था वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूं न्यू वीडियो के लिए, बाय गाइस, जय हिंद।